कि रेल प्रशासन ने लालकुआं रेलवे भूमि से धर्मकांटे समेत दो व्यावसायिक भवनों के अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और प्रशासनिक टीम के बीच में बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली है। बावजूद इसके प्रशासन ने अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले धर्मकांटा हटाया गया। व्यापारियों का कहना है कि जेसीबी के बजाय हाथ से भवन को तोड़ा जाए, क्योंकि इससे पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके बाद रेलवे ने अपने कर्मचारियों से मैनुअल तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, तो व्यापारी मैदान में आ गए। उनका कहना था कि व्यापारी स्वयं मजदूर बुलाकर तोड़ने की कार्रवाई करेंगे, जिसको लेकर घंटों तक गहमागहमी हुई। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी। दोनों भवनों के निर्धारित 5 फीट भवन तोड़ने के चक्कर में पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट गए। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रेलवे के द्वारा पहले पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें इन लोगों को हमने 15 दिन का समय दिया था खाली करने का, एविक्शन का, परंतु इनके द्वारा जो है वो 15 दिनों में खाली नहीं हुआ। तो आज जो है डीएम के आदेशानुसार हम लोग जो रेलवे की ज़मीन में जितना अतिक्रमण था उसको हम तोड़ रहे हैं। तरफ से जो पत्राचार हुआ है उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके तहत टीम द्वारा अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई